Beats. सो फाइनली कल Xiaomi ने अपना Redmi Note 13 Pro सीरीज चाइना में लॉन्च कर दिया है और इस वीडियो में आप देखने वाले हो Redmi Note 13 Pro Plus का कैमरा परफॉर्मेंस रियल लाइफ में कैसा है। और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए बता दूं कि इस फ़ोन में आपको कर्व्ड AMOLED पैनल दिया गया है। वैसे चाइना में OLED है और इंडिया में कॉस्ट कटिंग करने के लिए AMOLED हो जाएगा। 68 बिलियन कलर शेड्स प्रोड्यूस करता है और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। 1800 इट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ में गोरिल्ला ग्लास विक्टिस की प्रोडक्शन मिलती है और डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा ISO से दिया गया है। UFS 3.1 की स्टोरेज के साथ में 200 मेगापिक्सल का मेन लेंस है जो कि वाइड एंगल लेंस है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको f1.7 का अपर्चर दिया गया है। वैसे जो लेंस है ये सैमसंग की तरफ से आने वाला है HP3 और यहाँ पे आपको OIS भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ EIS भी दिया गया है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है जो कि एक अल्ट्रा वाइड लेंस है और 2 मेगापिक्सल का आपको एक मैक्रो मिल जाता है। 4K रिकॉर्ड किया जा सकता है इस फ़ोन से 24 फ्रेम्स पर सेकंड तक और 30 फ्रेम्स पर सेकंड भी किया जा सकता है। फ्रंट में आपको 16MP का सिंगल शूटर दिया गया है जिससे आप केपेबल हैं 1080p रिकॉर्ड करने में 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक। 5000mAh की बैटरी के साथ में 120 वॉट की चार्जिंग ब्रिक मिलती है जो कि इस फ़ोन को 19 मिनट में फुल चार्ज कर देती है। और अभी जो स्क्रीन पे आप फुटेजेस देख रहे हो वो एग्जैक्टली Redmi Note 13 Pro Plus से लिए गए हैं। इसकी जो प्राइसिंग है वो चाइना में करीब करीब 21,000 रुपये है और जब ये फ़ोन इंडिया में आएगा तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 25 से 30,000 रुपीज़ के बीच में इसकी प्राइसिंग होनी चाहिए। देखते रहिए।